अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है? जैसे कि आप देख सकते हो, यूट्यूब पर आए दिन एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है हर एक के क्रिएटर के चैनल पर, जहां पर आप देख सकते हो फिक्स इन एडसेंस, चेंज इन एसोसिएशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिक्स इन एडसेंस अगर आपके चैनल पर आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, क्या मेथड है उसका सॉल्व करने का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिएगा, जिससे आपको एक एक स्टेप की फुल नॉलेज मिलेगी। अगर आपके चैनल पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप इस वीडियो के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल इजी स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कितना समय लगेगा, कितना वेट करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। वीडियो में पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो गाइस, चलते हैं सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसेस अप्लाई किया और इस भाई का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया है। तो अब आप देखिए आगे का प्रोसेस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इन भाई के चैनल पर वो प्रॉब्लम आई थी जो मैंने आपको अभी पहले बताया। इनके चैनल पर 7000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और लगभग इन्होंने 25 दिन हो चुका है, देख सकते हो आप लोग 25 दिन से ज़्यादा हो चुका है, और वीडियो नहीं इन्होंने डाली क्योंकि इनको लग रहा था कि अब हमारा ये चैनल सही नहीं होगा और मेरी जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। बट इन्होंने हमारे गुरुजी का वीडियो देखा, वहाँ पर हमारे चैनल के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर कुछ पैसे देके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो एडसेंस के थ्रू। तो ये भाई हमारे पास आते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इनकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने दूर कर दी है, ठीक है, और ये देख सकते हो एक स्क्रीन शॉट मैं दे रहा हूँ आपको, एक ये देख सकते हो जो पहले इनके चैनल पर प्रॉब्लम थी, ठीक है, 25 दिन से इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी, बट मैंने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको आगे बताऊँगी मैंने किया क्या है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपको एडसेंस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे स्टार्ट पर और यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको सेकेंड वाला चूज़ कर लेना, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करना, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, सेकंड वाला मैंने चूज़ कर लिया और कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे लैपटॉप पर या फिर हम अपने मोबाइल पे ही करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक अलग डैशबोर्ड खुल जाता है, ठीक है। जैसे क्रोम पर करोगे तो क्रोम पर खुल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर इस तरीके का, अब आपके पास जो भी जीमेल अकाउंट है तो वो लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप न्यू क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। न्यू क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल लेंगे और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी जो भी हमें बनानी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। चलो हम यहाँ पर अपना नाम फिक्स कर लेते हैं और अपना पासवर्ड बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपको आगे का ही प्रोसेस बताते हैं। अब मैंने यहाँ पर सब कुछ दोस्तों सेट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, जो कि मैंने आईडी पासवर्ड अपना जीमेल अकाउंट सब कुछ बना लिया है। अब हम यहाँ पर आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको दोस्तों अपना एक मोबाइल नंबर डालना, वो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें वो मोबाइल नंबर डालना है जो दोस्तों अभी तक मैंने अपने किसी भी एडसेंस अकाउंट में नहीं दिया, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से बार क्या हो जाता है क्रिएट हो जाए कि आप यहाँ पर वो नंबर डाल देते हो जो पहले आप लोग एडसेंस में दे चुके हो, फिर से प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आ सकती है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कंफर्म आएगी, बट आ सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक नया मोबाइल नंबर डालिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो हमारी डॉक्यूमेंट था, जहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया गया वो सब यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें डालने के बाद नीचे जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो जेंडर पर जो हमारा जैसे मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वो चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद में अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर आपको और भी चीज़ें फिर बताते हैं कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो, पहले आपको सब कुछ चेक कर लेना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे बोला जाएगा एक OTP सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको देख लेना जो भी आपके फ़ोन पर OTP आई है वो आपको यहाँ डाल लेना। अब मैं अपना OTP डाल लेता हूँ, फिर आपसे और आगे का बताता हूँ प्रोसेस। जैसा दोस्तों जो हमारा OTP आया था, ठीक है, अब हम उस OTP को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, ठीक है। OTP सबमिट करने के बाद में जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ रीडायरेक्ट होगा हमारे एडसेंस के लिए, ठीक है, एडसेंस पर जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपना एक एडसेंस क्रिएट करें, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर सब कुछ कर लिया, OTP डाल दिया, अब यहाँ से हमसे पूछेगा बेसिक डिटेल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा दिया, जैसे कि अभी अगर आपको कस्टमाइज पहले से करके रखना प्रोफेशनल दोस्तों में या कुछ सजेशन चाहिए तो आप फर्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। वैसे मैं आपसे यही बोलूँगा
कि आप हमेशा नो सेकंड पे क्लिक करिए, क्योंकि आप अपने हाथ से सब कुछ कस्टमाइज कीजिए, ऑटोमेटिक कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, बात को पहले समझ लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि वीडियो पर बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, फिर आगे बन जाते हैं सोचते अब मैं यूट्यूब का बादशाह हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप गलती करोगे फिर उसके बाद आपके में दिक्कत क्रिएट होगी, फिर आप परेशान होगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेना, धीरे से आराम से समझ के तब करना, ठीक है। आप आपको सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो उसके नीचे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्री पे आ जाओगे, ठीक है, कंट्री पे आने के बाद क्लिक करना, ठीक है, कंट्री पे आना है यहाँ पर, और हमको यहाँ पर अपनी कंट्री चूज़ करना है, कंट्री जो भी है, जैसे जो भी जहाँ से रहते हो, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो आई लव माई इंडिया, हम अपनी कंट्री को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, और नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखा वहाँ पर रीड करके टिक लगाकर यहाँ पर हम क्रिएट एंड एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा ये एडसेंस अकाउंट के लिए मैंने क्रिएट करने डाल दिया। अब यहाँ पर हमारा एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट होने के बाद में दोस्तों जब तक का यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और फिर हमको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, जैसे कि हमारा एड्रेस हो गया, हमारा एड्रेस क्या है, कि कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया में कहाँ पर रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक डिटेल सबमिट करनी है। चलो हम ये बेसिक डिटेल सबमिट कर लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसा दोस्तों आप देखो, हमने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल भर ली है, ठीक है, इसी तरीके से आपको भी डिटेल यहाँ पर पूरी भर लेनी, ठीक है, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब फिर हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे दोस्तों जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपको कहीं भी टच नहीं करना, कहीं भी क्लिक करना नहीं करना, कहीं भी आपको रिफ्रेश नहीं करना, ठीक है। इसका आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आप सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी डिटेल यहाँ पर फैक्ट हो रही है, ठीक है। अब ये रीडायरेक्ट हमारे YT स्टूडियो पर करेगा, ठीक है, या आप बात को समझ लेना, ठीक है। आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, और थोड़ा सा वेट करना है, वेट करना है, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट हमारे YT स्टूडियो पे ले जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रीडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको लिख कर भी आ रहा है, ठीक है, रीडायरेक्ट हो रहा है हमारे YT स्टूडियो पे। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब रीडायरेक्ट होता है YT स्टूडियो पे, जो हमारा मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है, वहाँ पर हमारा जो भी एरर था वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो अभी यहाँ पर स्टार्ट लिख किया रहा, और यहाँ पर हमारा पेज लोडिंग पर चल रहा है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रहा। अब ये आप देख रहे हो इन प्रोग्रेस पर आ गया, और हमारा थर्ड स्टेप भी यहाँ पर अंडर रिव्यू से कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो अब हमारा ये चैनल पर जो भी दिक्कत थी, 4 से 5 घंटे के अंदर ये हमारी सारी दिक्कत सही हो जाएगी, और जो दिक्कत सही होगी, अब मैंने यहाँ पर नया एडसन लिंक किया है तो वो भी लिंक हो जाएगा। तो यही दोस्तों प्रोसेस है, आप भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शुरू में करा क्या था, किस तरीके से जो प्रॉब्लम इनकी क्रिएट हुई थी। अब दोस्तों इन लोगों ने गलती क्या की थी, इन्होंने गलती की थी जब भी अपना एडसेंस बनाया था वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दी थी, जिसकी वजह से इनका पहले से एक एडसेंस लिंक था, ठीक है, और इन्होंने कोई दूसरा एडसेंस लिंक कर दिया, वहाँ पर इनका पिन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने इनके चैनल पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्योंकि यार देखो, जब आप गलती करोगे तो भाई उसका प्रॉब्लम तो आपके चैनल पर आनी आनी है, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, मैंने आप ऊपर देख रहे होंगे एक चैट का ऑप्शन है जहाँ पर हम यूट्यूब से लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं चैट करने के लिए आपसे एक नॉर्मल सा तरीका बताऊँ कि आप रात में चैट करोगे तो ज़्यादा सही है। अब मैंने बोला क्या था, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, मैंने यूट्यूब से बोला था कि भाई देखिए मेरे चैनल पर ये दिक्कत है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, मुझे आप यहाँ पर एक नया एडसेंस लिंक करना है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला पहले आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसका मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि मैं प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने उनको एक अपना स्क्रीनशॉट सेंड किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि आईसी, उनको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम क्या किस वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है। फिर मैंने ये भी उनको बताया कि भाई मेरे चैनल पर पहले से $37 भी पड़े हैं, मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था, बट पिन वेरिफिकेशन की वजह से हमारे चैनल पर दिक्कत क्रिएट हो गई, ठीक है। तो मैंने उस एडसन को हटा दिया, अब मैं एक नया एडसन लिंक करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझसे कि चलो ठीक है, मैं आपके चैनल को देखता हूँ और आपको एक ईमेल के माध्यम से मैं आपसे संपर्क करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमें ईमेल भी मिल चुका था, रात में ही हमारे पास ईमेल आ चुका था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और अब आप इतना नया एडसेंस बनाकर लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहली चीज बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारा पहले से, जैसे मैंने उनको बता के रखा था कि मेरे पास $37 हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो वो भी मेरे मुझे मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो अभी आपके YT स्टूडियो में एडसेंस पर नहीं गए, क्योंकि जब तक दोस्तों हमारा कोई पैसा एडसेंस पर नहीं जाता है तब तक वो पैसा हमारा सेफ होता है, ठीक है, वो हमारे चैनल पर होता है, हमारे यूट्यूब पर होता है, हमारे YT स्टूडियो पर होता है। अगर वो पैसा एक बार एडसेंस पर निकल गया
तो फिर वो पैसा आपको नहीं मिलता है। फिर आपको वही एडसेंस को यहाँ पर सही करना होता है, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे एडसेंस वाले, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो के लिंक मिलेंगे। मैंने जितने भी प्रॉब्लम यूट्यूब पर आती है एडसेंस रिलेटेड हो, या फिर एसोसिएशन जो चैनल डिलीट हो गया हो, ठीक है, चैनल सस्पेंड हो गया हो, मोनेटाइजेशन पर कुछ दिक्कत आ गई हो, इनवैलिड क्लिक आ गई हो, तो मैंने सारी वीडियो बनाई हुई आपको एडसेंस के रिलेटेड, आपको हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों यही सारी दिक्कतें होती हैं जिससे कि आप लोग परेशान होते हो। आप लोग चाहो तो हमारी वीडियो को देख के सीख सकते हो। अगर आप नहीं सीख पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, और आपको वहाँ से पूरी हेल्प की जाएगी। आपका जो चार्ज बनेगा आप पे कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों यही तरीका होता है जो कि मैंने आपको सिखाया है, मैं वही करके दिखाता हूँ। जो सारे मेथड मैं अप्लाई करता हूँ हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा जो चैनल हैं उनको सही किया है। चैनल डिलीट से हो या फिर सस्पेंड हो, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। तो आई होप कि दोस्तों अगर ये चैनल और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड वीडियोस आपको लिए लाते रहते हैं। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, वो आपको एकदम इजीली तरीके से इसी तरीके से सबको सॉल्व करना है, जिससे कि इन फ्यूचर आपके चैनल पर अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जो मैंने नॉलेज प्रोवाइड किए वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।